बीजेपी नेता सुशील मोदी का लालू परिवार पर एक और हमला। दबंग विधायक ब्रज बिहारी से जमीन लेने का लगाया आरोप, कहा बिना जमीन लिए लालू नहीं करते किसी का काम। शहाबुद्दीन की कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की विशेष कोर्ट में हुई पेशी, पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में हुई सुनवाई, अगली सुनवाई 15 जुलाई को। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर, सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर हुआ अहम फैसला, धारा 21 और 13 में नहीं होगा संशोधन। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का बीजेपी पर पलटवार, आदिवासी जमीन खरीदने से किया इनकार, कहा सरकार में शामिल मंत्रियों ने खरीदी आदिवासियों की जमीन। पटना पुलिस का दवा माफियाओं पर शिकंजा, नकली दवाइयां बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह में रिश्वतखोर उद्यान पदाधिकारी गिरफ्तार, 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा एसीबी की टीम ने। सॉल में चरस के साथ एक नेपाली युवक गिरफ्तार, चरस की कीमत करीब 1,68,00,000 रुपए, एसएसबी की टीम ने की कार्रवाई। कटिहार में भारी मात्रा में शराब की गई नष्ट, उत्पाद विभाग ने करीब 58,000 लीटर शराब पर चलाया बुलडोजर, अप्रैल में जब्त की गई थी करोड़ों की शराब। पटना सिटी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, एक लड़की और 3 युवक को किया गया गिरफ्तार, छापेमारी में कई आपत्तिजनक चीजें बरामद। मधेपुरा में करंट का कहर, हाई टेंशन तार की चपेट में आए 6 लोग की मौत, घर पर हाई टेंशन तार गिरने से हुआ हादसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। लालू परिवार पर 3 महीने के बाद भी बीजेपी नेता सुशील मोदी का हमला जारी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि तेज प्रताप को 3 साल 8 महीने की उम्र में 13 एकड़ जमीन दान में मिली। वहीं मोदी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि आखिर क्यों लोग लालू और उनके परिवार पर दान का चढ़ावा चढ़ाते हैं। एक प्लॉट में 9 बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री, उनकी पत्नी, उन्होंने तेज प्रताप यादव को गिफ्ट कर दिया, दान दे दिया। और ये मुजफ्फरपुर जिले का जो मौजा किशनपुर है, किशनपुर मधुबन थाना कुड़नी में 2 प्लॉट गिफ्ट किया गया। एक प्लॉट में 9 एकड़ 24 डिसमिल और दूसरे एक प्लॉट में 3 एकड़ 88 डिसमिल, कुल 13 एकड़ 12 डिसमिल जमीन और दान में दी गई। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जो दान प्राप्त करने वाला है तेज प्रताप यादव, उस समय उसकी उम्र मात्र 3 साल 8 महीना उसकी उम्र थी। सुशील मोदी के बयान पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार में उनका गठबंधन अटूट है और ये 2020 तक काम करेगा। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार में महागठबंधन पर पुनर्विचार की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहली बात है, कल मुख्यमंत्री जी ने महागठबंधन को लेकर के अपना स्टैंड बहुत ही साफ साफ शब्दों में रख दिया है। महागठबंधन बिहार में अटूट है, छोटे मोटे प्रश्नों पर असहमति होती है और ये गठबंधन धर्म में बहुत अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन इस गठबंधन को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और मैंडेट 2020 तक बिहार की जनता की सेवा के लिए है, इसलिए इस महागठबंधन पर कोई भी विचार करने का।
पटना में बीजेपी युवा पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिहार के युवा अपनी समस्याओं और समाधान को लेकर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय भी मौजूद रहेंगे। देखिए, बिहार में जो युवाओं का प्रतिशत है, कुल आबादी का 60% है। बिहार देश के साथ युवाओं का यह प्रांत है, उसकी ताकत के बिना यहाँ कोई भी काम संभव नहीं है। तो अगर बिहार के युवाओं के साथ हम सीधी संवाद करना चाहते हैं कि बिहार के युवाओं की मुख्य समस्या क्या है, और उन समस्याओं से रू अवरू होंगे, हम उनसे हम सीधा संवाद करेंगे। दानापुर के मनेर के महादेव स्थान के पास भीषण सड़क हादसे के बाद देर शाम केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव वहां पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया और हादसे में क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी को देखकर उन्हें अंदाजा हुआ कि घटना कितना भयानक रहा होगा। रामकृपाल मनेर के बयापुर और सहालीचक पहुंचे और हादसे में मारे गए सभी 5 लड़कों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। महत्वपूर्ण घटना है, 5 बच्चों, नौजवान बच्चों की जान चली गई। जितना इस घटना की चिंता की जाए, कम है। 5 परिवार खत्म हो गए। दुर्घटना किस कारण से हुआ, ये तो जांच का विषय बनता है, मगर हम सरकार से मांग करेंगे कि 5 परिवार को उचित मुआवजा दे। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने तेज प्रताप के 13 एकड़ 12 डिसमिल जमीन के बयान पर सांसद रमा देवी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि जिस समय जमीन की रजिस्ट्री की गई, उस समय वो हाउसवाइफ थी और उनके पति ने जैसा कहा वैसा उन्होंने कर दिया। सांसद रमा देवी ने कहा कि स्वर्गीय ब्रजबिहारी प्रसाद ने कहा था कि जमीन अगर लालू यादव के नाम कर दिया जाएगा तो उस क्षेत्र का विकास हो जाएगा, क्योंकि उस समय लालू यादव CM थे। आपको जमीन देने के पीछे कारण क्या था? नहीं, हम तो हाउसवाइफ थे। हाँ। हमारे पति कहे हैं कि वहाँ सड़क बिजली नहीं है, हम लोग का जमीन वहाँ खरीदे हुए हैं, अगर दे देंगे तो उस समय मुख्यमंत्री लालू जी थे, तो सबके लिए सड़क हो जाएगा, बिजली हो जाएगी, बाढ़ से लोग दह जाता है पूरा खेत, तो वहाँ पर पूरी बन जाएगा तो सेफ हो जाएगा। कर्ज के बोझ से किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। बिहार के पशुपालन मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने किसानों की आत्महत्या का जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को बीजेपी सरकार अगर पूरा कर देती तो देश के किसान आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होते। विचार विमर्श करके इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, हमारे कांग्रेस की अध्यक्षा चेयरपर्सन UPA का चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी थी, तो एक मुश्त से इस देश के किसानों के कर्ज माफी का ऐलान किया गया और 84,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ हुआ। आज हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आत्मदाह कर रहे हैं, मगर भाजपा सरकार उन किसानों के फसल का न तो 50% बोनस दिया, न उन किसानों को कर्जा माफी का कोई योजना बनाई। पटना के गांधी मैदान में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और शिक्षा विभाग की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आपदा प्रबंधन मंत्री चंद्रशेखर ने किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को आपदा के दौरान किस तरह से परिस्थितियों से निपटा जाए, इसका प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के बाद स्कूली बच्चों के प्रशिक्षण का मॉक ड्रिल भी हुआ। 2015 में ये शुरू किया गया था, इसी प्रकार से गांधी मैदान में लगभग 2 से 3 हज़ार बच्चों का मॉक ड्रिल कराया गया था। उसके बाद जब DRR का रोड मैप हमारा तैयार हुआ और ये पाया गया कि हमें एक सुरक्षित बिहार का निर्माण करना है, ये बात उभर करके आई कि हमें सुरक्षित बिहार के निर्माण के लिए बच्चों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि कल के नागरिक वही हैं। इसलिए बच्चों को विभिन्न तरह की आपदाएं, मात्र भूकंप नहीं, हमने 2015 में जब भूकंप आया था तो भूकंप के बारे में ही शुरू किया था। हमारे नीचे के अधिकारी जो नोडल पदाधिकारी होते हैं हमारे आपदा प्रबंधन के, उनको भी नहीं मालूम हो पाता है, वो भी SOP नहीं पढ़ते हैं,
और ऐसी स्थिति में गड़बड़ी हो जाती है पीड़ितों तक राहत पहुंचाने में। इसलिए मैं आप सभी से और इस मंच के माध्यम से तमाम छोटे या बड़े अधिकारी जो हिंदुस्तान और बिहार को सुरक्षित करने में जुटे हुए हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के माध्यम से जो सीखे सो सीखे, मगर जो SOP हमारा बना हुआ है रेडी नेकनर के रूप में भी आपके सामने जाते रहता है, उसको जरूर पढ़ें। पूर्णिया SP आज अलग स्टाइल में नजर आए। सिविल ड्रेस में SP ने गांजे के सौदागर और तस्करों के ग्राहक को पकड़ा और 4 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में गांजा बेचा जा रहा है, तो SP ने सिविल ड्रेस में खरीदार बनकर गांजे की खरीदारी की और बेचने वाले को रंगे हाथ धर दबोचा। राज्य अब शराबबंदी से नशा मुक्ति की ओर अग्रसर है और हमने इस सरकार ने और प्रशासन ने इस संदर्भ में बहुत सारे ऐसे कार्रवाई किए हैं जिससे कि समाज को हम लोग नशा मुक्त बना सकें। आज जो नशा के कारोबारियों पर जो छापेमारी की कार्रवाई हुई है, इससे इन लोगों के बीच में एक संदेश जाएगा कि हम इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को अपने जिला में चलने नहीं देंगे और उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चूंकि ये सूचना गुप्त थी और इसका सत्यापन मैंने खुद करना आवश्यक समझा, इसलिए कुछ लोगों के साथ मैंने मोटरसाइकिल से 3 जगह रेड किया और एक कस्टमर के रूप में जो नशे कादी है उस तरह से बंद करके मुझे हम लोग को जाना पड़ा। लेकिन जो 3 जगह पे हम लोगों ने सूचना प्राप्त हुई थी, बाकी अन्य भी सूचनाएँ प्राप्त हुई, 3 जगह पे सूचना सही मिली और वहाँ हम लोग रेड करके न केवल मादक पदार्थ की बरामदगी की बल्कि उनको अरेस्ट भी किया। पटना पुलिस ने US में ऑनलाइन ठगी और नकली दवाइयां बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के हत्थे चढ़े सभी आरोपियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज कर जेल भेज दिए गए। पिछले दिनों में पटना राजधानी में जो एक्सपायरी दवाई वाला रेड चल रहा था बड़े पैमाने पे, जिसमें करोड़ों की नकली दवाई और एक्सपायरी दवाई पकड़ी गई थी ड्रग विभाग के साथ, उसका मुख्य सरगना रमेश पाठक अपने सहयोगी विद्यानंद ठाकुर के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अपना जुर्म कबूला है। और कैसे ये रैकेट ऑपरेट होता है, कहां कहां से दवाइयां आती हैं, कैसे कैसे सप्लाई होती है, उसके बारे में जानकारी दी है, जिससे हम विशेष पूछताछ कर रहे हैं। PMCS से भी मामला आ रहा था सर, ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट आई है, पर इनके बयान पे हम लोगों ने कई लोगों के नाम सामने आए हैं जिसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। लगातार सूचना मिल रही थी कि पटना में एक बड़ा गैंग ऑपरेट कर रहा है जो इंटरनेशनल लेवल पर करोड़ों की ठगी कर रहा है। इन सूचनाओं के आधार पर ASP अभियान श्री राकेश दुबे के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इसमें गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इंटरनेशनल लेवल पर टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर विशेषकर US में कस्टमर से ठगी करते हैं। टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर ये लोग अपनी कंपनी खोले हैं। पटना जंक्शन पर अवैध शराब को लेकर सघन जांच चलाई गई, जहां एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गंगा दामोदर एक्सप्रेस से देशी शराब के 350 पाउच, हावड़ा हरिद्वार एक्सप्रेस से 415 विदेशी शराब की बोतलें जब्त की। पटना जंक्शन पर बीते रात्रि हम लोग ये सघन चेकिंग अभियान चला रहे थे, तो ये ट्रेन आई है हरिद्वार हावड़ा, मतलब हावड़ा से हरिद्वार जा रही थी, अप में थी वो ट्रेन, तो उसमें ट्रेन से 3 व्यक्ति उतरे जिनके पास से 3 अलग अलग ब्रीफकेस थे, 3 व्यक्ति के पास, उसमें 2 पुरुष हैं और 1 महिला हैं। तो उन लोगों का ब्रीफकेस हम लोग चेक किए तो उसमें टेट्रा पैक जो पैकेट होता है उसमें बंद ये दारू जो है पैक में, पैकेट के अंदर 415 पैकेट जो दारू है बरामद हुआ है और 3 व्यक्ति भी गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें एक महिला है। बेगूसराय में सर्वे के काम में लगे अमीन की ओर से जमीन के कागजात को सही करने के नाम पर लाखों रुपए की मांग की जा रही है। इस मामले में निगरानी की टीम ने एक अमीन रविंद्र कुमार को 35,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ धर दबोचा। अरुण प्रसाद से अमीन रविंद्र ने कुछ 64,000 रुपए की मांग की थी। हमारे दादा के नाम से जमीन था, इनका कहना हुआ जितना रुपया दीजिएगा
तो हम आपके नाम से तो हमसे मोल मोले ही किए। पहले 64,000 मांगे, तब घटते घटते 40,000 पड़ाए, जिसमें हम 35,000 रुपया इनको दिए। इसकी शिकायत आप कहाँ किए थे? निगरानी विभाग में। तो फिर आज क्या होगा? आज निगरानी वाले आए और पैसा हम दिए, उसी समय उनको अरेस्ट किए। भोजपुर के चर्चित एनएस मॉल बम कांड का आरोपी सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान बेहोश होकर गिर गया। आरोपी के बेहोश होते ही कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने फौरन आरोपी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। कौन से कांड में ये गिरफ्तार? बंदी है जेल से हाजत। अभी तबीयत कैसी है इसकी? रक्सौल में चरस के साथ एक नेपाली युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए 1,68,00,000 रुपए के चरस को एसएसबी की टीम ने जब्त किया। तो बड़ी कार्रवाई की है एसएसबी की टीम ने। नेपाली युवक को चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी ने कार्रवाई की और जब्त चरस की कीमत करीब 1,68,00,000 रुपए आंकी गई है। रांची में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सबसे अहम फैसला CNT-SPT एक्ट को लेकर हुआ। कैबिनेट ने संशोधन को निरस्त करते हुए एक्ट में धारा 21 और 13 में संशोधन नहीं करने का फैसला लिया है। सेवा क्षेत्र में नियुक्ति की नियमावली में संशोधन। अंत्योदय योजना के लाभुकों को चीनी मिलेगा। बाजार दर से 18 रुपए कम में चीनी मुहैया कराएगी सरकार। महीने में 1 किलो चीनी के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। जोहार योजना के तहत 2,00,000 परिवारों के आय वृद्धि को लेकर एमओयू। प्रत्येक जिले में 100 नागरिक सुरक्षा सेवकों के मानदेय में बढ़ोतरी। अमृत योजना के लिए आंशिक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी। दूसरे राज्य के छात्र भी इंटर्नशिप का लाभ ले सकेंगे। प्रस्ताव रखे गए जिन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से महत्वपूर्ण स्कूली शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव है, जिसमें मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम की योजना की स्वीकृति हुई है। दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण करने के लिए 194.42 करोड़ 42 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी। 7/2017 को जनजातीय परामर्शदात्री समिति की हुई बैठक में CNT की धारा 21 और SPT की धारा 13 में प्रस्तावित संशोधन को निरस्त करने की घोषणा से अवगत कराया गया। इस घोषणा को मंत्रिपरिषद ने सर्वसम्मति से अपनी सहमति दी। महामहिम राज्यपाल द्वारा CNT-SPT में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा की गई कतिपय टिप्पणियों पर विचार हेतु राज्य सरकार के पास भेजा गया है। पिछले कई दिनों से BJP और JMM के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर आरोपों की बौछार कर रहा है। आरोप ये लग रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन को लूटा गया है। BJP ने एक और खुलासा करते हुए JMM अध्यक्ष शिबू सोरेन की बहू और JMM विधायक सीता सोरेन पर CNT का उल्लंघन कर जमीन खरीदने का आरोप लगाया, जिसके दस्तावेज भी पेश किए गए। सीता सोरेन 2008 में चास के नगर पालिका क्षेत्र के अंदर 4.5 एकड़ जमीन खरीदगी की है और उसमें 2,00,000 मात्र दिया गया है, जबकि सरकारी वहाँ रेट 52,00,000 से ऊपर है। और वहाँ जो है CNT के अंतर्गत कई प्रावधान है परमिशन देने का। वहीं BJP के आरोपों
पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि आदिवासी जमीन खरीदने से इनकार कहां किया गया। राज्य में बीजेपी की सरकार है, चाहे तो जांच करा ले, सच्चाई सामने आ जाएगी। मनोज पांडे ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार में शामिल मंत्री और आदिवासी विधायकों ने सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीदा है, जिसका खुलासा जेएमएम जल्द करेगी। आप ही को करना है, आप ही सरकार है, आप ही व्यवस्था है, आपको करना है, आप करके दिखाइए। आप हम पर कोई कार्रवाई करिएगा, जनता जानना चाहेगी ना कि मेरा दोष क्या था। तो आप आगे तो आइए, और हम लोगों ने एक फेरिस पूरा लिस्ट बना के रखा है, हम लोग भी वो मीडिया के सामने भी लाएंगे, पब्लिक डोमेन में भी लाएंगे, और सभी लोगों की सबकी जांच करा लीजिए। दुमका के सरैयाहाट प्रखंड परिसर में जेवीएम की ओर से दो दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जहां जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी विधायक प्रदीप यादव की रिहाई को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने रघुवर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के किसान मजदूर की समस्याओं से रघुवर दास को कोई मतलब नहीं। और यहाँ तो अडानी जी की जमीन अधिग्रहण, उनको पावर प्लांट लगाना कोटा में, और उसके लिए सरकार ने उनके लिए जमीन अधिग्रहण करी कि हमें इस तथ्यों को समझना, ये मामला है क्या कि किस प्रकार से इस प्रदेश की जो सरकार है, जहाँ किसानों के हितों की काम करनी चाहिए, रैयतों के हितों की काम करनी चाहिए। बोकारो में कांग्रेस के जिला मीडिया प्रभारी के फोटो के साथ आपत्तिजनक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल होने को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिला। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि आरोपी कोई भी हो, उसकी गिरफ्तारी जल्द होनी चाहिए। एसपी ने भी आरोपी की जल्द गिरफ्तारी को लेकर आश्वासन दिया। का भी कोई पोस्ट जो है आपत्तिजनक, जो उनको जो कांग्रेस के नेता है जितेंद्र जी का जो फोटो उस पर अटैच कर दिया है, मॉर्फ किया गया है, तो उसको लेके जो है डेलीगेशन आए थे, उनके बाद हमने सुना है उस पर बहुत सारा कार्रवाई हो गया है। इसके विरुद्ध जो है कांड दर्ज करके जो है तुरंत जो है कार्रवाई किया जाएगा, और कौन किया है ये भी पता चल गया है। निश्चित तौर पर ये जो घटना जिस व्यक्ति या जिस लड़का ने किया है, ये बोकारो का एक अच्छा खासा जो माहौल है उसको बिगाड़ने का एक सोची समझी साजिश है ये, और ये बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी किस संप्रदाय का वो व्यक्ति होगा, किस राज्य का होगा, कैसा व्यक्ति होगा, मतलब हमको उस पर नहीं है। जिन्होंने भी इस तरह का घटना का अंजाम दिया है वो आदमी जेल के सलाखे के पीछे होगा, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो। पाकुड़ के बीजेपी नेता हिसाबी राय को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विशेष समुदाय के लोगों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच की। एसपी शैलेंद्र वर्णवाल ने बताया कि 5 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। जो व्हाट्सएप किया गया है, जो उनका भी उनका फोटो को गैलरी से डाउनलोड करके उनको टैग करके उनको किया गया, सारी चीज़ें आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे करके ये पूरे मैसेज को वायरल किया गया था, और पूरे मामले को यहाँ पे सेंसिटाइज किया गया था ताकि यहाँ पे पाकुड़ डिस्टर्ब हो। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो मिस्क्रियंट्स है, जो 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 एलिमेंट्स जो काम कर रहा है, कौन है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लगातार उनके ही मोबाइल से आ रहा, उनके ही मतलब ये वॉल से फेस वॉल से आ रहा था, उसको आज पुलिस ने उसको डिटेक्ट करके उसको पूरे मामले को डिस्क्लोज किया है। रांची में आदिवासी सिंगल अभियान के बैनर तले पूर्व विधायक एएसए अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि टीएसी की बैठक में सीएनटी एसपीटी के मुद्दे पर सीएम रघुवर दास चुप रहे। वहीं बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर आदिवासी की जमीन, नौकरी और झारखंड के बहुमूल्य खनिज संपदा को बेचने का काम कर रही है। बीजेपी आरएसएस की सरकार ने आदिवासियों को उजाड़ने के लिए सीएनटी एसपीटी कानून पर गलत संशोधन किया था, लेकिन आदिवासी जन संगठनों ने जोरदार जन आंदोलन और जन दबाव बनाकर इसको रुकवाने में सफलता प्राप्त की है। रामगढ़ में 29 जून को प्रतिबंधित मांस को ले जाने के शक में अमीलुद्दीन नाम के व्यक्ति की जमकर पिटाई की गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। भड़की हिंसा के बाद शहर की शांति व्यवस्था बरकरार रखने को लेकर शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी समुदाय के लोगों ने शिरकत किया। बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया कि हिंसा करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। रांची में सीआईएसएफ के डीजी ओम प्रकाश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सीआईएसएफ जल्द ही 80 और 50 झारखंड पुलिस के स्वानों को ट्रेनिंग देगी, जिसके लिए 1 अगस्त से सीआईएसएफ का स्वान प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जाएगा। आने वाले दिनों में ब्रीडिंग सेंटर भी खोला जाएगा, जिसके लिए
HEC ने जमीन देने पर हामी भर दी है। 1 जुलाई को हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया है। पहले टेम्पररी चल रही थी गाजियाबाद में, उसके हमने यहाँ ले आया है और अब ये पूर्ण रूप से यहाँ चलेगा। 1 अगस्त के महीने से हम 80 कुत्तों को, 80 डॉग्स को CRPF के और लगभग 50 डॉग्स झारखंड पुलिस का हमने ट्रेनिंग देने के लिए योजना बनाया है और उस योजना के अंतर्गत हमारा अगस्त महीने से प्रारंभ हो जाएगा। गिरिडीह में रिश्वतखोर उद्यान पदाधिकारी को रिश्वत लेते ACB की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। किसान की शिकायत पर कार्रवाई की गई। जमुआ के किसान सुरेश प्रसाद से उद्यान ऑफिसर ने डोभा निर्माण और ग्रीन हाउस के नाम पर 20,000 की रिश्वत की मांग की थी। जिला उद्यान पदाधिकारी ने ग्रीन हाउस व डोभा निर्माण के लिए सुरेश प्रसाद वर्मा से यह डिमांड किया था। बात तय हुई थी कि 8,000 लेते हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप newsindia.nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।